बबून से केरन की तरफ सफ़र करते हुए पहला गांव जबरी बहक आता है। जबरी बहक से आगे एक छोटा सा गांव डोगा आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। जबरी बहक से डोगा तक रोड की हालत बहुत ख़राब है। बारिश में इस रोड पर सफ़र मुमकिन नहीं है। बारिश के पानी के बहाव की वजह से सड़क पर नालियाँ बनी हुई हैं। डोगा गांव कैंपिंग के लिए भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, बशर्ते आपके पास खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद हो। जबरी टॉप पर हाइट की वजह से दरख्त नहीं थे, मगर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं आप जबरी फॉरेस्ट में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ देखकर बहुत दुख हुआ कि बहुत सारे दरख्त कटे हुए थे, जले हुए थे। पता नहीं उन्हें आसमानी बिजली ने जलाया था या इंसानी बिजली ने। डोगा में कुदरत अपनी मुकम्मल रानाइयों के साथ जलवा घर है। इस जगह से बगैर रुके गुजरना मुमकिन ही नहीं था। अगर हमारे पास खाने का इंतज़ाम होता तो हम यहाँ कैंपिंग ज़रूर करते। अब नीचे उतर रहे हैं। और ऊपर देख।
खुली हो गई क्या? Thank you.
छोटे साइज की है, ले ले। Pakistan is gonna...
चलो यार, फोटो खाई लो बेटे, इतनी यार प्यारी।